मैं हूँ मेरे साथ भी। सबक एक जानने वाला था तो वो अच्छा सॉरी, ऐसा मुक्का मारूंगी ना। तो ये है कि बस उसे वो चीज़ लेके नहीं जाने दी मैंने मन। अच्छा चलो ठीक, तो क्या बात करें फिर। अच्छा यहाँ की और क्या क्या प्रोडक्ट है? अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ है जो रेगुलर आप यूज़ करते हो पाकिस्तान अपने घर में इंडिया की? डाबर आमला। इतनी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिका जी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, बेज्जती पे बेज्जती करते हैं लोग हमारी, घुंघरू की तरह बजता ही रहा सुबह से आज। तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है कंपनीज दैट आर मेकिंग इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इन पांच कंपनियों के कारण ही भारत आज प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता है तो हम विदेशी ब्रांड के सामान खरीदने निकल पड़ते हैं। हमें लगता है कि विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों से ज्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है दोस्तों। असल बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं कि भारतीय कंपनियां कितने सालों से देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम बना रही हैं। कुछ भारतीय कंपनियां कई दशकों से काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, लेकिन हम भारतीयों को तो केवल
सोचिए कितनी पैठ है गोदरेज कंपनी की हम भारतीयों के घरों में, पर ये फॉरेन में भी अपना माल बेचती है, सोचिए जरा। तीसरे नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे है। ये कंपनी 1800 की रेंज। पार्ले कंपनी की फ्रेश हार्वेस्ट ब्रांड पल्सेस के लिए मशहूर है। इसके बिस्किट्स में पार्ले जी के अलावा मोनाको 2020, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक और मिलानो इसके अन्य बिस्किट्स हैं, जो अपने आप में काफी पॉपुलर भी है। आईटीसी अगली कंपनी का नाम आईटीसी है, जिसका हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये कंपनी 1852 में 1892 में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में उतरी थी। हम इसके प्रोडक्ट्स बताने से पहले ये दावा करते हैं कि अभी भी आपके घर में इस कंपनी के 3-4 प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे, जैसे कि माचिस, होमलाइट, शिप और एम की माचिस आईटीसी कंपनी के प्रोडक्ट है। इसके अलावा मंगल दीप की धूप और अगरबत्ती भी इसी के प्रोडक्ट्स हैं। क्लासमेट रेंज भी आईटीसी कंपनी की है और स्टेशनरी के सामान में बेस्ट पेपर क्राफ्ट रेंज के प्रोडक्ट आईटीसी के ही है। तो बताइए आपके घर में आईटीसी के कितने प्रोडक्ट हैं। अभी प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुए दोस्तों, किचन में इस्तेमाल होने वाला आशीर्वाद रेंज के प्रोडक्ट भी आईटीसी के ही हैं। बिस्किट में सनफीस्ट ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है, ये आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। आईटीसी के यिप्पी नूडल्स बच्चों की खास पसंद बन गए हैं। दोस्तों स्नैक्स की बात करें तो आईटीसी के बिंगो ने मार्केट में उतरते ही धमाल मचा दिया था। इसमें पहले से मौजूद स्नैक्स के फ्लेवर से भी ज़्यादा फ्लेवर्स थे, जिन्होंने अन्य स्नैक्स कंपनी को तगड़ा कंपटीशन दिया था। आज बिंगो सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्नैक्स बन गए हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में विवेल रेंज, फियामा रेंज, सुपीरिया रेंज भी आईटीसी के ही हैं। दोस्तों एंगेज के प्रोडक्ट्स ने भी मार्केट के आते ही अपनी खास पहचान बना ली थी, ये रेंज भी आईटीसी कंपनी की है। इसके अलावा बी नेचुरल्स के फ्रूट ड्रिंक्स और मिंटो और कैंडीमैन भी आईटीसी के प्रोडक्ट्स हैं। तो कहिए दोस्तों, अब तो आप भी इससे सहमत होंगे कि ऐसी कंपनीज हैं जो भारत को आगे बढ़ा रही हैं और जिन पर कोई भी दाग नहीं है। सालों से कंपनियां मार्केट में राज कर रही हैं, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक भी कोई दूसरी कंपनी बीट नहीं कर पाई। दोस्तों आपके घर में इनमें से कितने प्रोडक्ट्स यूज होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी भारतीय हैं और भारत की इन कंपनीज पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
हर भारतीय को इन स्वदेशी कंपनियों के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में भारत आज भी बहुत पीछे है। इस वीडियो को इस मैसेज के साथ ही शेयर कीजिएगा कि हर भारतीय को ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और भारत का मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, हम अपने चैनल पर ऐसी जानकारी लाते रहते हैं, तो अगर आपको ऐसी जानकारी हासिल करना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जनाब, अच्छा, इसमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में आते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी मिसाल है डाबर आंवला। मतलब हर घर में पाया जाता है डाबर आंवला, और हमारे यहाँ डाबर आंवला हेयर ऑयल को बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत बेनिफिशियल समझा जाता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है बालों का तो उसको पहली फुर्सत में प्रेफर किया जाता है कि आपको भाई डाबर आंवला यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अच्छा एक और, अच्छा नाम बनते बनते सालों लगे मतलब एक ही उनकी ईमानदारी और उनकी... मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता ना कि ये साबुन नहीं तो ये साबुन सही, ये ऑयल नहीं तो ये ऑयल सही। ये वो प्रोडक्ट है कि इसके लिए तो लोग डिमांड करते होंगे कहीं से भी ला दो, लेकिन ला दो। पैराशूट ऑयल हमारे यहाँ आता है, पैराशूट इनका है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। वो पता नहीं कैसे आता है क्योंकि हमारा डायरेक्टली ट्रेड तो बंद है, तो मुझे नहीं पता कि दुबई वगैरह के जरिए आता होगा। प्राइस अलग होंगे, प्राइस में बहुत फर्क आ जाएगा। बहुत, आपको पता है नाचोज, उन्होंने जिक्र किया था नाचोज का, हमारे यहाँ नाचोज जो ये पापड़ हैं और चिप्स है बेसिकली, तो ये एक दफ़ा हमने एक मॉल से ख़रीद लिया तो हमें बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी, हमें नहीं पता था उसका प्राइस क्या है, तो हमने ले लिया। हमें नहीं पता है कि ये बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ है। अब हमने पाकिस्तानी, मुझे हमें कोई अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगा तो हमने वो ले लिया। आपको पता है हमें 1000 रुपीज़ पे करने पड़े। बहुत घूम के आया था ना वो, पता नहीं कहाँ से घूम कर आया था, मुझे तो लगा पूरी दुनिया घूम कर आया है। बिल्कुल, मतलब 1000 रुपीज़ क्या, इतना ये इतना बड़ा पैक होगा हार्डली, इससे ज़्यादा। वो जो पाइप वो जो डब्बे में था वो नहीं, नहीं वो प्रिंगल्स थे, वो अलग था, वो अलग थे वो तो। अच्छा अच्छा, बिस्किट यहाँ पे बहुत है, पार्ले जी के, टाइगर। अच्छा टाइगर, तो मैं टाइगर हूँ, मुझे पसंद नहीं। टाइगर बिस्किट एक ऐसा बिस्किट है कि मेरा भाई जो है ना वो खा के बड़ा हुआ है, यानी कि दूध छोड़ा था उसने। अच्छा हमारे यहाँ, अच्छा ये जो आप जो बता रहे हैं ना, ये हर घर का है, हर घर का है, चाय के साथ उसको लाजमी, दूध के साथ, चाय के साथ। कब मैं बात समझाता हूँ। हाँ। जैसे ही माँ का दूध छूटता है exactly. तो उसके बाद आजकल क्या चीज चल रही है पता है? क्या? सीरिलैक, सीरिलैक गंदुम वाला, तो फलाना वाला, तो ये वाला। उससे पहले जो है ना, मतलब सीरिलैक अभी की इजाद है ना, ये तो अब मार्केट में ये चीजें आने लग गई है, तो इससे पहले जो है आपको पता नहीं है। सही लैक, देखें तीन स्टेजेस होती हैं। पहले तो बिल्कुल ही सॉफ्ट पे रखते हैं, तो पहले सबसे पहले तो इब्तदाई तौर पे माँ का दूध, उसके बाद वो ख़त्म होता है तो बाहर का भी दूध दे सकते हैं, फिर सही लैक उसके अंदर बना कर देते हैं, वो दूसरी स्टेज हो गई। फिर तीसरी स्टेज ये होती है सॉफ्ट गिजाओं पे लाते हैं, अंडा हो गया बॉयल करके, सागुदाना वगैरह हो गया, और इसके साथ साथ बिस्किट्स के साथ इंसान दे देता है बच्चों को, चाय के साथ हो गया, ये छोटे मोटे कोई टाइगर चलता था, बहुत चलता है। अब इसके साथ साथ इनको देखते देखते पाकिस्तानियों ने भी इस तरह की एक चीज बना ली, ग्लूको बिस्किट, मुन्ना बिस्किट कहते हैं उसको। मुन्ना बिस्किट क्यों कहते हैं? मुन्ना बिस्किट अलग है, इसको मुन्ना बिस्किट कहते हैं, इसको ग्लूको ही कहते हैं। अच्छा, नाम इसका ग्लो है। हाँ, ग्लूको बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया। अच्छा, टाइगर को तो ऐड तक मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे जो है वो टाइगर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पाकिस्तान में। जैसे एक कंट्री में एक चीज़ बनती है तो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे बेचोगे, आप इस चीज़ को यहाँ बेचोगे, तो इसका मतलब है कि किसी शख्स ने यहाँ पाकिस्तान के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर और तरीके से पकड़ी और फिर उसके बाकायदा ऐड भी बनाए। जबकि अच्छा, वो पाकिस्तानी ऐड पाकिस्तानी टीवी पे चलते थे, प्रोडक्ट बाहर से बन के आ रही है। पता है हमारे यहाँ कैफे बिस्किट है, हमारे यहाँ टक है, बहुत है, सुपर है, हमारे यहाँ सुपर है, बहुत पुराने। अच्छा अच्छा, एक 50-50 आता था, वो कहाँ है? 50-50 भी नहीं का था, और दूसरी बात ये 20-20 भी नहीं का है। तो 50-50 बिस्किट कहाँ गायब हो गया? 50 बिस्किट मैंने भी खाया 50-50, लेकिन अब नहीं आता। लेकिन 50-50, हाँ हाँ, झूला भी। अच्छा 50-50 बड़ा फेमस था, तो वो भी ऐड भी उसके पाकिस्तानी ऐड। मैं ये बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर प्रोडक्ट इंडियन है, पाकिस्तान में किसी तरीके से आ गई, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्टरों पर ऐड कैसे बनते थे? तो वो टाटा वाला हिसाब किताब होगा ना,
कि डिफरेंट कंट्रीज में तो डिफरेंट है. आपने देखा नहीं सर्फ का एड, एक इंडियन बनता है तो एक पाकिस्तानी में बनता है, थीम वही होती है, सेम वही होता है, वो होता है ना, कोक का भी सेम बनता है. एक सेकंड, वो होता है ना, हां एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, एरियल, एरियल और एक और इनका वो आता है ना, फिनाइल, फिनाइल का एक ऐड आता है. हमारे यहाँ पे भी हमारे एक्टर्स होते हैं, सेम ऐड है कंफर्ट का, लेकिन वो सेम वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सेम. तो वो प्रोडक्ट किसकी है ये पूछना चाह रहा हूँ. प्रोडक्ट एक ऐसे इंसान की होगी जिसका बिजनेस वो यहाँ का होगा, वहाँ का होगा, वहाँ का इंसान है ये पूछना चाह रहा हूँ. जैसे टाटा वहाँ के, लेकिन बिजनेस कितने कंट्रीज में, तो अब वो हर कंट्री में अलग अलग. इसका मतलब है कि जो चीज ने आना है वो है, वो पाबंदियाँ वाबंदियाँ ये सब खेल तमाशा है. मैं डायरेक्टली आ जाती है, आप तो बिल्कुल बच्चा समझ रहे बन गए. अच्छा, मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही थी कि टाइगर के हवाले से एक बात मैं आपको यकीन करे बताऊं कि उसका टेस्ट ऐसा था, इतने बिस्किट थे मार्केट में, लेकिन अगर वो ना मिले ना तो मेरा भाई रोता था. मतलब वो टेस्ट में ऐसी बात थी कि क्या मसला था कि जी वो ही चाहिए. और आपको पता है अब बहुत शॉर्ट हो गया, अब नहीं मिलता है ना, अब नहीं मिलता है, मिलता है कम, कम मिलता बहुत है. कम 50-50 भी अब नहीं मिलता. और फिर 50-50 तो गायब है, लेकिन उसके बदले अब वो ग्लूकोस वाले, ग्लूको बिस्किट और पाकिस्तानी वाले ज्यादा. हाँ, उसको नेमो बदल आया है अभी, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज और बड़ा जबरदस्त है. अच्छा, वैसे एक बात है, अगर किसी का लिंक हो इंडियन से, या किसी तरीके से कोई कंपनी हो, किसी तरीके से कोई एक इदारा हो, या किसी तरीके से कोई लाइसेंस हो, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी प्रोडक्ट इंडिया में मौजूद है, बीच में ना कोई बंदा हो, हाँ इन पाकिस्तान में अच्छा यूटिलाइज, अच्छी चीज़ आ सकती है. कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी नहीं आई होंगी, नहीं होंगी. अच्छा, पान पत्ते, अच्छा, का भी मैंने सुना है, पत्ते का भी मैंने सुना है, पत्ता भी आता है. ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब बहुत चीज़ों की तो बहुत बारीकी रखी गई है, और अब तो हम बहुत सिविलाइज हो चुके हैं, अब तो हम चीज़ों की बड़ी डिटेल में जाते हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट और उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह लिए जाएं कि आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है इंडियन प्रोडक्ट को, और आप दे दो, दो तो दे देंगे, वो भेज दें, और हुकूमत नहीं तो जब वो तो फिर प्रॉपर एक ट्रेड शुरू हो जाएगा. हाँ. ना, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखें, मैं जहाँ तक समझ चाह रही हूँ, आवाम तक डायरेक्ट आ जाए, भले हुकूमत ना. मैं बता तो रहा हूँ कि देखें, किसी भी देश के अंदर कोई चीज़ इंटर होती है तो उसकी एक प्रॉपर और तरीक़ेकार होता है, एक पोर्ट होती है, बंदरगाह होती है, एयरपोर्ट होता है. अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बगैर उसके कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं आवाम का इंटेंशन हो भी तो भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, कुछ इलाके जो सरहद के करीब हैं, जो गांव देहात मिलते हैं, वहाँ लोगों का आना जाना होता है, तो वो थोड़े बहुत लेवल पे चीज़ें ला सकते होंगे, थोड़ी बहुत मिकदार में. आपको पता है खशखाश को लेकर, हमारे यहाँ खशखाश बहुत ज़्यादा काश्त होती है. खशखाश क्या होता है? बाकी एक जानने वाला था तो वो अच्छा मुक्का मारूंगी ना. तो ये है कि बस उसे वो चीज़ लेके नहीं जाने दी. अच्छा, चलो ठीक, तो क्या बात करें फिर. अच्छा, यहाँ की और क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे, अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ है जो रेगुलर आप यूज़ करते हो पाकिस्तान अपने घर में इंडिया की? डाबर आमला, डाबर आमला, इतनी 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 ब्रिटेनिया भी आता बिस्किट है हमारे. अच्छा, इतनी इतनी जो बोतल आती है डाबर आमला की ना, बड़ी भी आती है, इतनी इतनी आती है, पैराशूट भी आता है. पैराशूट, बहुत पैराशूट तो मैं कहता हूँ हर जनरल स्टोर पे मौजूद है, हर जनरल स्टोर पे. अच्छा, अभी आपने वो मिनरल वाटर भी देखकर आपने कहा कि ये बॉटल्स में मैंने यहाँ देखी है, ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पे देखा है, एनर्जी 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 ड्रिंक्स भी आपने कहा कि मैंने यहाँ देखी है. तो ये है कि पता नहीं क्यों पाबंदी है, फ्रूटी भी यहाँ पे है, फ्रूटी भी यहाँ का जूस है ना, यहाँ का नहीं, उन्हीं का है, यहाँ पर मौजूद होता है. अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो अल्लाह के बंदे ट्रेड ही खोल दे ताकि आवाम को नुकसान ना हो, ताकि सीधे तरीके से सही दरवाजे. मैं यही कह रही हूँ, सही दरवाजे से आ जाए. मैं यही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा पूछना चाहिए. बिल्कुल. कि अगर आवाम बहुत पसंद कर रही है, एक कंट्री है, भले आपके जो भी मामला आते हैं, लेकिन आवाम उनके प्रोडक्ट को बहुत मानती है, बहुत पसंद करती है, समझिए नस्लों से चले आ रहे हैं, जैसे डाबर आमला, पैराशूट नस्लों से आ रहे हैं हम यूज़ करते हुए, तो फिर आपको चाहिए कि आप आवाम का इंटरेस्ट देखते हुए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और ट्रेड होने दो मेरे हिसाब से, तो ताकि डाबर आमला सस्ता मिल जाए. डाबर आमला दोबारा किसी आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.